नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते की रिलीज हुई तीन फिल्में। पहली है होटल मुंबई, दूसरी है ए साली आसकी और तीसरी है कमांडो 3। आपको बताएंगे दोस्तों इन तीनों फिल्मों ने 6 दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर ली और इसमें से कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें होटल मुंबई के बारे में, तो दोस्तों होटल मुंबई फिल्म 26/11 में जो हादसा हुआ था उसके ऊपर फिल्म की कहानी आधारित है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एंथनी मॉर्स ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है एंड्रयू ओगालिस। अगर बात करें दोस्तों फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में, तो फिल्म में नजर आ रहे हैं देव पटेल और उनके साथ में है अनुपम खेर। दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 1,08,00,000 रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने दूसरे दिन इंडिया से कमाए थे 1,70,00,000 रुपए। तीसरे दिन यानी संडे फिल्म का कलेक्शन रहा 2,03,00,000 रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी मंडे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की 65,00,000 रुपए की। वही दोस्तों फिल्म ने पांचवें दिन कमाए 55,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का 6 दिनों में इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन रहा है लगभग 6,50,00,000 रुपए। वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन रहा 8 करोड़ रुपए। ये दोस्तों बात करें ये साली आसिकी फिल्म के बारे में, तो ये साली आसिकी फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है चिराग रूपारेल ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में डेब्यू किया है अमरीश पुरी के पोते वरदान पुरी ने। और दोस्तों इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की जा रही है और फिल्म भी लोगों को पसंद आई। लेकिन दोस्तों फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन में रिलीज किया था जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें ये साली आसिकी फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 1,50,00,000 रुपए का। वही दूसरे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन रहा 1,20,00,000 रुपए और तीसरे दिन फिल्म कमाई कर पाई लगभग 1,40,00,000 रुपए। वही दोस्तों फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन आया 60,00,000 रुपए और पांचवें दिन फिल्म कलेक्शन कर पाई 35,00,000 रुपए का। वही दोस्तों बात करें छठे दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म छठे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 30,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये साली आसिकी फिल्म का 6 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 5,40,00,000 रुपए। वहीं इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 7 करोड़ रुपए हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कमांडो 3 के भी 6 दिनों के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें सिर्फ 30 करोड़ के बजट से बनी कमांडो 3 फिल्म को वर्ल्ड वाइड 2,700 से भी ज़्यादा स्क्रीन पे रिलीज किया था और फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास। वही दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिन यानी कि अपने पहले वीकेंड में शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन 3 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया था 18,33,00,000 रुपए का। लेकिन दोस्तों चौथे दिन यानी मंडे से फिल्म का असली टेस्ट चालू था, यानी कि यह फिल्म वर्किंग डेज में अच्छा कलेक्शन कर लेती है तो हिट हो जाएगी, लेकिन अगर यह फिल्म वर्किंग डेज में अच्छा कलेक्शन नहीं करती तो लोग इसे फ्लॉप कहने लग जाते। लेकिन दोस्तों आपको यहां बताना चाहूंगा कि फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि सोमवार भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और सबकी बोलती बंद कर दी। जी हां दोस्तों, कुछ लोगों को लग रहा था कि फिल्म सोमवार के बाद कम कमाई करके फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन दोस्तों यहां पे विद्युत जमवाल के जो फैंस है उन्होंने फिल्म को बाद में भी देखा और फिल्म को सुपर डुपर हिट करवा ही दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी मंडे बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,50,00,000 रुपए के आसपास की कमाई की। और बात करें पांचवें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पांचवें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया 3,10,00,000 रुपए। बात करें छठे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग जा रही है और फिल्म को छठे दिन के मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 18-22% की ऑक्यूपेंसी मिली। वही दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग के शोज तो काफी शानदार है, यानी कि कहीं कहीं ये फिल्म अपने छठे दिन पे हाउसफुल रही। तो दोस्तों जो अभी तक की
रिपोर्ट आ रही है और जो डाटा सामने निकल के आया है उस हिसाब से कमांडो 3 फिल्म अपने छठे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का 6 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 28 करोड़ यानी 28 करोड़ रुपए। वही दोस्तों इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 34 करोड़ रुपए हो चुका है। बात करें ओवरसीज कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी इंडिया के बाहर से 6 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है 6 दिनों में वो हो चुका है लगभग 40 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म 6 दिनों में 40 करोड़ की कमाई कर चुकी है और आने वाले 2 से 3 दिनों में फिल्म के 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल फिर से निकल के आता है कि क्या ये फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर पाने में कामयाब रहेगी या नहीं। वैसे दोस्तों लग तो रहा है कि फिल्म 100 करोड़ कमा सकती है, लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कमांडो 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाने में कामयाब होगी या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कमांडो 3 फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले।